Hey guys, good morning, welcome to my YouTube channel. I am Rahul Comeback. दोस्तों आप सब कैसे हैं guys? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरे प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सरोज पांडे जी। कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करते हो? सेकंड डे। इससे पहले कभी कोई कार चलाई आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम चला रही हूँ। ओके, लेफ्ट हल्का राइट, थोड़ा सा राइट हो बस। सो गाइस, इनका सेकंड डे, सेकंड डे के हिसाब से बहुत अच्छा चला रही। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं चीज़ों को, और कुछ लोगों को ये होता है थोड़ा सा चीज़ों को समझने में वक्त लग जाता है। तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये एजुकेशन का रूल नहीं है, ये माइंड का पूरा गेम है। किसी को हफ्ते में समझ में आता है, किसी को 10 दिन में आता है, किसी को महीने में भी आता है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी बारीकियाँ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, गुड, जाने दो। अभी आपने थोड़ा ब्रेक ज़्यादा दबा दिया, ब्रेक पे पैर बाई मिस्टेक उस टाइम एक्सेलेटर दबा था, फिर आपने ब्रेक दबा दिया। अपना लेफ्ट ही रखना, लॉन्ग हॉर्न पुश करिए। हाँ, टर्निंग से पहले हॉर्न देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी लेफ्ट राइट से आ रहा हो और लेफ्ट आओ। हाँ, गुड। अभी सीधी कर लो स्टीयरिंग, और सीधी करो, गुड। चलो अभी एक्सेलेटर ले लो, और गाड़ी अपनी लेफ्ट में ही रखना। जितना लेफ्ट रखेंगे ना उतना सुरक्षित रहेंगे, आपको फिर लेफ्ट से कोई ओवरटेक नहीं करेगा। अगर राइट बीच में रखेंगे तो कुछ लोग आपको लेफ्ट से ओवरटेक करेंगे, फिर वहाँ पे गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। राइट खोल, कहाँ जाने दो, ये जो गलियां हैं ना, गलियों से खतरा हमेशा रहता है, कभी भी कोई भी कहीं से भी निकल आता है। यहाँ से राइट लेना, सिग्नल दीजिए राइट का, नीचे को। हाँ, और ब्रेक पे पैर रखना है, अभी जब मैं बोलूँगा तब टर्न करना है। एक बार हॉर्न बजाइए। हाँ, अब धीरे धीरे राइट टर्न करना है, काटो धीरे धीरे, काटो, हाँ काटो, क्योंकि और काटो जल्दी जल्दी, और थोड़ा बस, सीधी करो, सीधी करो, सीधी सीधी सीधी, और बस बस बस, ज़्यादा सीधी कर दिया। स्टीयरिंग बहुत पास पकड़ी है आपने, थोड़ा दूरी बना के पकड़िए, 3 और 9 क्लॉक टाइम जो होता है ना घड़ी का। हल्का एक्सेलेटर पुश करिए, और राइट वाला पैर आपका थोड़ा ऊपर ज़्यादा खिसका हुआ है, हाँ ये पॉइंट होना चाहिए। पैंडल को पूरा पैर से ढकना नहीं है, सिर्फ तो रखना है आपको। स्पीड बढ़ाइए हल्का सा, राइट रखो गाड़ी, राइट, हाँ बहुत ज़्यादा लेफ़्ट नहीं दबाना, उतनी दबाइए जितने में आपकी सामने वाले की गाड़ी निकल जाए। अभी हॉर्न दीजिए इनको, बस हल्का राइट रखो, क्योंकि इनको अलर्ट करना, इनको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सामने से जो गाड़ी आ रही है वो आपको नोटिस कर रहा है, तो वहाँ पे अगर 1% आप थोड़ा ध्यान नहीं भी दे पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ध्यान तो हर जगह देना है। हॉर्न राइट रखो, राइट स्लो, लेफ्ट आओ, जाओ, जाने दो, स्पीड बढ़ाओ, राइट रखो थोड़ा, हॉर्न राइट रखो, जाने दो। हाँ, नज़रें आपकी चारों तरफ रहनी चाहिए, आपके लेफ्ट से कौन निकल रहा है, राइट से कौन निकल रहा है। अभी यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का ऊपर को, गुड। टर्निंग से 100 मीटर पहले सिग्नल, राइट वाला पैर ब्रेक पे, नज़र आपकी चारों तरफ रहनी चाहिए कि आपके अगल बगल से कौन निकल रहा है। लेफ्ट टर्न करूँ, और काटो लेफ्ट, गुड, कटी रहने दो, कटी रहने दो, थोड़ा ज़्यादा राइट चले गए आप, सीधी करो, सीधी 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 बस, चलो गुड, बढ़ाओ रेस करो, लेफ्ट आओ, राइट रखो, सीधा जाओ, हल्का राइट रखो, जाने दो। हाँ, ये जो लेफ्ट वाला मिरर है इसको बार बार आपको देखना है, राइट वाला, लेफ्ट वाला, और ये लुकिंग ग्लास, इससे आप फ्रंट ग्लास से तो आपको सामने का दिखेगा,
लेकिन लेफ्ट और राइट का जो है वो मिरर से चेक करेंगे आप, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लेफ्ट में कितनी जगह है और राइट में कितनी जगह है। स्पीड कम, हाँ यहीं से लेफ्ट लेना, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, गुड। लॉन्ग हॉर्न पुश करिए, स्लो करके स्लो करके, हाँ कहीं से लेफ्ट हॉर्न बजाइए एक बार और आराम से। चलो टर्न करो और काटो, थोड़ा लंबा राउंड ले गए आप। जहाँ आप बैठे हैं ना, जिस जगह आप बैठे हैं ड्राइविंग सीट पे, वहाँ से आपकी जो गाड़ी है ये फ्लैग लगा है देखो, ये 6.5 फीट पे फ्लैग लगा है आपकी ड्राइविंग सीट से और गाड़ी का जो बोनट है। तो इस एरिए को बचाने का, नहीं टाइम से पहले नहीं टर्न करेंगे तो अगला हिस्सा टकरा जाएगा, है ना, बिड़ जाएगा। तो इसलिए हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारी गाड़ी का जो आगे का पोर्शन है उसको हम कितनी दूर से मैनेज करेंगे, जिससे कि आसानी से गाड़ी कट के सीधी हो जाए। हॉर्न, किसी भी व्यक्ति को अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं, वो आपके लेफ्ट में चल रहा है, चाहे वो साइकिल वाला हो, चाहे बाइक वाला हो, चाहे कोई भी हो, उसको ओवरटेक करने से पहले आपको एक बार अलर्ट जरूर करना हॉर्न देके, ताकि उसको ये कंफर्म हो जाए कि हमें कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है। कई बार अचानक लोग लेफ्ट और राइट मुड़ जाते हैं बिना देखे, साइकिल वाले बाइक वाले। अब देखा, इस लेडीज़ को देखा था आपने, वो धीरे 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 राइट की तरफ खिसकती आ रही थी और आपने उसको हॉर्न नहीं दिया। उसको आपको ऐसे हॉर्न बजाना चाहिए, ऐसे, ये होता लॉन्ग हॉर्न, इतना तेज और इतनी देर तक, भले ही 4 बार मत बजाइए, 1 बार बजाइए पर लॉन्ग हॉर्न पुश करिए। कुछ लोग, आप देखो सामने जैसे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, आपको पहले से अलर्ट करना है, लॉन्ग हॉर्न पुश करिए, हल्का राइट रखो, ब्रेक पे पैर रखो, बस जाने दो, बहुत ज़्यादा राइट ले गई आप, वापस लेफ्ट का सिग्नल दो, गुड। अभी गाड़ी अपनी लेफ्ट ही रखो, क्योंकि हमारी साइड लेफ्ट है तो हम गाड़ी को लेफ्ट रखेंगे, नज़र आपकी चारों तरफ। राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आइए, एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हाँ बस आराम से। अभी टर्न करो, गुड। अभी सीधी करो, सीधी करो, गुड। जैसे आधी गाड़ी आपकी टर्न हो जाए उसके बाद आपको स्टीयरिंग को वापस टर्न कर सीधा कर लेना, नहीं तो फिर अपोजिट साइड चली जाएगी, ज़्यादा लेफ्ट निकल जाएगी गाड़ी। हल्का लेफ्ट आओ, ये चीज़ आपको जो लेफ्ट में आपकी जगह है, देखो यहाँ मिरर को चेक करोगे लेफ्ट में तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लेफ्ट में कितना स्पेस है, जो रोड है और लेफ्ट में कितना है, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि राइट में तो आप बैठे हैं, राइट में आपकी नज़र राइट वाले मिरर में बार बार जाएगी, लेकिन इसके लिए स्पेशली आपको गर्दन हल्की सी टेढ़ी करनी पड़ेगी इस मिरर को चेक करने के लिए, लुकिंग ग्लास और ये लेफ्ट वाला, क्योंकि राइट में आप बैठे तो राइट से खतरा नहीं है, हमेशा खतरा किधर से रहता है, लेफ्ट से।